सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ BZT के बारे में। मतलब BZT को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, जो NPN और PNP दो टाइप्स की BZT है उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। और इसके बाद कंस्ट्रक्शन देखने के बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वर्किंग की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो इन कंस्ट्रक्शन पार्ट, सबसे पहले एक बार दोबारा से मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ BZTP के बारे में, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो BZT इज़ ए बाई पोलर जंक्शन डिवाइस और इट इज़ ए थ्री टर्मिनल डिवाइस हुज ऑपरेशन इज डिपेंडेंट ऑन द कंडक्शन ऑफ करंट ड्यू टू बोथ टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर, मेजोरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मतलब इसमें करंट का फ्लो जो है दोनों टाइप के चार्ज कैरियर की वजह से होता है, मेजोरिटी प्लस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इसलिए इसको बोलते हैं बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अच्छा, ट्रांजिस्टर का मतलब ये होता है ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, मतलब इनपुट जो रेजिस्टेंस है वो हाई रेजिस्टेंस है, हाई, और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो लो है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। सो दिस इज नथिंग बट ट्रांजिस्टर। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे NPN ट्रांजिस्टर से। दोनों का कंस्ट्रक्शन बेसिकली एक ही तरीके से होता है, बट NPN में P जो होगा वो इन बिटवीन N आएगा और PNP में N जो होगा वो इन बिटवीन P आएगा। बस इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। द NPN ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड बाई सैंडविचिंग ए थिन पी टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। जैसा कि ये देख सकते हैं, यहाँ पे दो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है और उसके बीच में एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग सैंडविच किए हुए हैं। सेकेंड पार्ट, द मिडिल रीजन, यानी कि जो बीच का जो रीजन्स है ऑफ ईच ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बेस। तो हमेशा जब बीच वाले जो भी पोर्शन होगा, यानी कि या तो NPN हो या PNP में, इस केस में P ये जो होगा इसको हम लोग बेस मानेंगे। इट कम्स बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर, और इमीटर हमेशा इस साइड में और कलेक्टर हमेशा इस साइड में होगा, यानी कि कलेक्टर और इमीटर के बीच में हमेशा बेस होगा। सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि बेस इज वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, यानी कि सबसे कम एरिया का होता है और सबसे कम डोपिंग होती है इसकी। इसके बाद आते हैं इमीटर एंड कलेक्टर की तरफ। तो इमीटर एंड कलेक्टर आर मच वाइडर देन बेस एंड आर हाईली डोप्ड। कह सकते हैं कि बेस के कंपेयर में इमीटर एंड कलेक्टर का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है और इसकी डोपिंग भी एज कंपेयर टू बेस काफ़ी ज़्यादा होती है। अब इन दोनों कंपेयर कर लें, इमीटर एंड कलेक्टर को। ठीक है, तो इमीटर एंड कलेक्टर कंपेयर करने के पीछे हम थोड़ा सा देखेंगे कि कलेक्टर इज़ वाइडर, कलेक्टर का जो एरिया होगा ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इमीटर। इमीटर से इसका एरिया ज़्यादा होगा, और लेकिन इमीटर की जो डोपिंग होगी वो थोड़ा ज़्यादा होगी कलेक्टर से। क्लियर है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। बेस बीच में आएगा एन दोनों इमीटर एंड कलेक्टर के। इमीटर का जो एरिया होगा वो कलेक्टर से कम होगा, यानी कलेक्टर का एरिया सबसे ज़्यादा होगा। डोपिंग सबसे ज़्यादा इमीटर की होगी, बेस की एरिया एंड डोपिंग सबसे कम होगी। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप NPN और PNP की तरफ देखें, NPN का मतलब यहाँ पे आपको एरो बना हुआ दिखाई देगा, मतलब ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये NPN है। N ये तो ये पोर्शन हो जाएगा आपका N और बीच वाला पोर्शन हो जाएगा P और ये पोर्शन हो वापस में आपका हो जाएगा N। तो इसलिए ये सिंबल है NPN ट्रांजिस्टर का, एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस वन। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा PNP की तरफ देख। PNP का कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली सिमिलर है NPN का, सिर्फ डिफरेंस क्या है, द NPN ट्रांजिस्टर या PNP ट्रांजिस्टर, ये यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो PNP ट्रांजिस्टर होगा, ये PNP है हमारा, NPN की जगह पे हमने यहाँ PNP कर दिया, और ये सैंडविच बिटवीन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब एन टाइप का सेमीकंडक्टर जो होगा वो बीच में आएगा और दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक एन टाइप का जो है वो सैंडविच होगा। बाकी सब कुछ सेम है, बेस इसमें बीच वाला पोर्शन बेस कहलाएगा, बेस जो है थिन एंड लाइटली डोप्ड होगा। ठीक है, इमीटर एंड कलेक्टर जो है होगा वो ज़्यादा वाइडर होंगे और डोपिंग भी उनकी ज़्यादा होगी, और इमीटर का जो
एरिया होगा वो कलेक्टर से कम होगा और इमीटर की डोपिंग जो होगी वो कलेक्टर से ज़्यादा होगी। इसका सिंबल डिफरेंस क्या है सिंबल में, कि इसका जो ये एरो पोर्शन है वो अंदर की तरफ है, जो जबकि उसमें एरो जो है था वो बाहर की तरफ था। सो दिस इज़ नथिंग बट पीएनपी एंड एनपीएन का कंस्ट्रक्शन। इसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका एक टेबल में हमने समराइज कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एनपीएन को एक छोटा सा टेबल बनाए, सेमीकंडक्टर का टाइप यानी कि इमीटर हम को ले रहे हैं या बेस ले रहे हैं या कलेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि एनपीएन में से डोपिंग क्या होगा इमीटर बेस एंड कलेक्टर का और उसका साइज क्या होगा। तो जब हम इमीटर की जो साइज होगी कंस्ट्रक्शन पार्ट में वेरी हाई होगी, डोपिंग उसका उसका डोपिंग वेरी हाई होगा, बेस का डोपिंग वेरी लो होगा और कलेक्टर की डोपिंग जो होगी वो हाई यानी कि मॉडरेट होगी, वेरी हाई, हाई एंड लो। अब हम एरिया वाइज कर लेते हैं साइज, तो इमीटर का साइज वाइड होगा, कलेक्टर का साइज वाइडर यानी कि सबसे ज्यादा होगा और बेस का साइज जो होगा वो स्मॉल होगा। इस टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक सिंपल बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है या जनरली पूछा जाता है 2 मार्क्स या समथिंग, कि वाई एन पी एन इज मोर प्रेफर्ड ओवर या मोस्टली यूज्ड। इसका सिंपल सा जवाब ये है कि द इफेक्टिव मास ऑफ होल इज मोर एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में जो होल का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी मोबिलिटी जो हो जाती है यानी कि उसका एक्सेलरेशन जो हो जाता है वो थोड़ा उस पर असर पड़ता है, जैसे ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, फोर्स डिवाइड बाई मास, है ना। तो अगर जिसका मास ज़्यादा है, आप देख सकते हैं अगर मास को हम इंक्रीज करेंगे, ब्लू वाली लाइन को देखें, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर हम मास को डिक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, यानी कि इफ मास इंक्रीजेज द एक्सेलरेशन डिक्रीजेज। और मास, ये एक्सेलरेशन किससे डायरेक्टली डिपेंड करता है, मोबिलिटी पे। तो यानी कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एज कम्पेयर टू होल। और इस तरीके से एनपीएन में क्या होता है कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर किसकी वजह से होता है, एन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और पीएनपी में किसकी वजह से होता है, पीएनपी में जो होता है वो होल्स की वजह से होता है, ये पीएनपी है। तो इसका मतलब ये है कि होल्स की वजह से जिसमें करंट का फ्लो होगा वो कम प्रेफर किया जाएगा क्योंकि उसकी मोबिलिटी कम होगी। एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से जनरली हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एनपीएन को। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा कि कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, एनपीएन पीएनपी बेसिक डेफिनेशंस, और एनपीएन को हम ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं। थैंक यू।